Hey guys, welcome back to our YouTube channel Pakistani Girls React. तो आज जो है वो हम बेसिकली एक मूवी के ट्रेलर पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, केरला स्टोरी, जो मतलब उसकी सारी जो हमें हिस्ट्री देखने को मिलेगी कि ये किस हद तक इसमें सच्चाई है या नहीं. और ये ध्रुव फ्राटी की वीडियो है और इसमें ओवरऑल वो केरला स्टोरी की बात करेंगे. आई होप कि सही प्रोनाउंस किया हो मैंने. और मुझे लग रहा है कि इंडिया की किसी सिटी का नाम है केरला. और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्या है, इस बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई द केरला स्टोरी नाम से, जिस पर बड़ी चर्चा हो रही है. इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे केरला में एक खुफिया खेल खेला जा रहा है बेगुनाह औरतों को इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट करने का और उन्हें आईसिस के पास भेजा जा रहा है. इस फिल्म के और फिल्म डायरेक्टर के अनुसार करीब 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा किया गया है जो कि आज के दिन सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन है. क्या है इसके पीछे की असली कहानी और इस चीज में कितनी सच्चाई है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में. केरला स्टोरी. मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होकर सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है. आज से करीब 100 साल पहले जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपनी एक किताब लिखी थी माइन कॉम्फ नाम से. इस किताब में इसने बताया था एक प्रोपेगेंडा टेक्निक के बारे में जिसका नाम था बिग लाई. हिटलर का कहना था लोगों को बहकाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों को लगे यार कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी बोल सकता है. कोई ये बात कह रहा है तो कुछ तो सच्चाई होगी इस बात में. जब झूठ इतना बड़ा हो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो कुछ लोग उसे सच मान बैठते हैं. लोगों को लगता है यार कोई इतना बड़ा झूठा थोड़ी हो सकता. इस टेक्निक के एडिशन में एक दूसरी प्रोपेगेंडा टेक्निक बताई थी हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबल्स ने. गोबल्स ने कहा कि रेपिटेशन भी यहाँ पर बहुत जरूरी है. इस बड़े झूठ को बार बार दोहराते रहो, इतनी बारी इस बड़े झूठ को दोहराओ कि लोगों को चार चार अलग अलग सोर्सेस से यही झूठ सुनने को मिले. ऐसा करने से लोग और कन्विंस हो जाते हैं. फिर एक तीसरी टेक्निक बताई जाती है हाफ ट्रूथ की. बीच बीच में अपनी बातों में आधा सच भी घोल दो, क्योंकि क्या है ना, कुछ लोग आज के दिन बिग लायर्स को बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं. जब कोई कहता है कि अरे यार कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी ना बोलेगा, लोग कहते हैं भाई तुझे पता नहीं है कितना बड़ा फेकू है, ये इतनी लंबी फेंकता है जितनी दूर नीरज चोपड़ा का जैवलिन भी नहीं जाए. तो जो लोग इन बड़े झूठ से कन्विंस ना हो उनके लिए ये हाफ ट्रूथ. मैं क्यों बताने लग रहा हूँ आपको ये सारी प्रोपेगेंडा टेक्निक्स, क्योंकि आज आप इस वीडियो में देखोगे कि कैसे इन तीनों टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है लोगों को बहकाने के लिए. द केरला स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर सुदीप तो सेन से पूछा गया कि ये फिल्म कौन सी सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है. इन्होंने कई चीजें कही यहाँ पर. पहला, इन्होंने कहा साल 2010 में केरला के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे ओमन चांडी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी केरला की असेंबली में. आप इस स्टेटमेंट को गूगल कर सकते हो और कुछ एक इंडिया टुडे की रिपोर्ट सामने आती है. 2500 औरतें, इस्लाम, केरला, ओमन चांडी, बात तो सही है. फिर कहा गया कि एक और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला वीएस अच्युतानंदन ने एक समय पर कहा था कि केरला अगले 20 सालों में इस्लामिक स्टेट बनने वाला है. आप इस चीज को गूगल पे सर्च करते हो और आपको यूट्यूब या ट्विटर पे वीडियो दिखता है, आपको लगता है यार हो ये बात भी सही है. फिर फिल्म के टीजर में दिखाया जाता है एक लड़की कहती है कि मैं फातिमा हूँ और मैं अफगानिस्तान की जेल में हूँ. आप इस चीज को गूगल पे सर्च करते हो और द हिंदू का एक न्यूज आर्टिकल दिखता है फातिमा अफगानिस्तान की जेल, इस्लामिक स्टेट. ये चीज भी सही है. यही सारी चीजें दोस्तों एक बढ़िया एग्जाम्पल है हाफ ट्रूथ का. ज्यादातर लोग ऊपर ऊपर से हेडलाइंस पढ़ लेते हैं लेकिन डिटेल में नहीं जाते. पहले आर्टिकल की बात करते हैं, साल 2012 का ये इंडिया टुडे का आर्टिकल. केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी इन्फॉर्म करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को कि साल 2006 से 2012 के बीच में 2,667 औरतों ने इस्लाम में कन्वर्ट किया, 6 सालों में करीब 2,500 औरतों ने. लेकिन बात नोट करने वाली ये है कि क्या उन्होंने कभी भी फोर्स्ड कन्वर्जन शब्द का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि हम अपनी स्टेट में कोई फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं होने देंगे और ना ही हम मुसलमानों के खिलाफ हेट कैंपेन टॉलरेट करेंगे लव जिहाद के नाम पर. क्या यहां पर कहीं भी मेंशन किया गया कि कोई भी कन्वर्टेड औरत आईसिस को जाकर ज्वाइन कर रही है? बिल्कुल नहीं. दूसरी साइटेशन देखते हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वीएस अच्युतानंदन का इंटरव्यू. ये केरला के चीफ मिनिस्टर रहे थे 2006 से लेकर 2011 के बीच में. जो वीडियो फैलाया जा रहा है उनका पुराने वाला, इसे सनशाइन पिक्चर्स ने अपलोड किया था, सेम कंपनी जिसने फिल्म बनाई है. सबसे पहली चीज तो इन्होंने इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ छेड़छाड़ करी. जो शब्द उनके द्वारा बोले जा रहे हैं और जो सबटाइटल्स यहाँ लिखे जा रहे हैं वो सही नहीं है. दूसरी चीज, यहाँ पर वीएस अच्युतानंदन एक्चुअली में पीएफआई को स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये कहते हुए कि वो और धर्मों के यूथ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती पैसे देकर उनकी मुसलमान औरतों से शादी कराकर. यहाँ पर भी आईसिस का कोई मेंशन नहीं है. दूसरी चीज, स्टेटमेंट को दिए हुए 13 साल हो चुके हैं. केरला आज भी उतना ही सेफ सेक्युलर स्टेट है जितना 13 साल पहले था.
अब अगले आर्टिकल को देखते हैं, जून 2021 का आर्टिकल। यह आर्टिकल बात करता है चार केरला की औरतों के बारे में जो अपने हस्बैंड्स के साथ अफगानिस्तान गई इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस ज्वाइन करने 2016 से 18 के बीच में। इनके हस्बैंड्स अलग अलग हमलों में मारे गए। इनके नाम है निमिषा आलियास फातिमा ईसा, सोनिया सेबेस्टियन आलियास आयशा, मेरिन जेकब आलियास मरियम और रफीला। अगर हम एनआईए की 2016 की लिस्ट देखें ऑफ 20 मोस्ट वांटेड इंडियंस इन इस्लामिक स्टेट, तो इन चार औरतों के नाम यहाँ भी दिखते हैं। इनके अलावा दो और औरतें हैं, अजमाला और शमासिया। इन दोनों के हस्बैंड्स कजन्स थे और इन छह औरतों के हस्बैंड्स यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं। इन छह औरतों में से तीन ऑलरेडी मुस्लिम थी, दो ने कन्वर्ट किया क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में और एक ने कन्वर्ट किया हिंदुइज्म से इस्लाम में। तो सिर्फ एक ही औरत यहाँ पर ओरिजिनली हिंदू थी जिसका नाम था निमिषा नायर। क्या निमिषा नायर को यहाँ पर एक मुसलमान आदमी ने लव जिहाद के शिकार में फंसा दिया? इसका जवाब जानने के लिए हम देखते हैं निमिषा के हस्बैंड कौन है। ईजा, ईजा एक ऐसा बंदा है जो खुद क्रिश्चियनिटी से कन्वर्ट किया था इस्लाम में। उसका पुराना नाम था बेक्सन विंसेंट। बेक्सन का भाई बेस्टिन भी कन्वर्ट किया था क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में और वो भी एक और इन चार में से एक और औरत का हस्बैंड था। तो दोनों भाई और उनकी दोनों बीवियां सारे कन्वर्ट्स, सारे ब्रेनवॉश्ड। हाल ही में इंडियन सरकार ने इन चार औरतों को वापस इंडिया आने से रिजेक्ट कर दिया था। इनमें से तीन के वीडियो इंटरव्यूज निमिषा, सोनिया सेबेस्टियन और रफीला के आप YouTube पर ऑनलाइन देख सकते हो, YouTube चैनल स्ट्रैट न्यूज ग्लोबल पर। 2020 में इन्होंने इंटरव्यू दिया था और वहां आप असली में देख सकते हो कि औरतें दिखने में कैसी थी, बात करने में कैसी थी और कैसा इनका बिहेवियर था। When there was a khilafa, when I was a Mormon, I was happy that. So I can never say that khilafa was wrong. What it did was wrong. But I can't say that because I had a comfortable life there. इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी देख सकता है कि औरतें अभी भी कितनी ब्रेनवॉश्ड और रेडिकलाइज्ड हैं। लेकिन द केरला स्टोरी फिल्म की जो मेन कैरेक्टर है कॉन्स्टेंटली वो सिंपथी इवोक करने की कोशिश करती हैं। फिल्म में जितना बेचारा और इनोसेंट करके दिखाया गया है इन औरतों को, ये इनोसेंस असल जिंदगी के वीडियोज में शायद ही झलकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके अंदर सिंपथी होगी इन रियल लाइफ औरतों के लिए या फिर आप इन्हें ब्रेन वॉश बेवकूफ कहोगे? क्या आप चाहोगे कि अफगानिस्तान की जेल में ही पड़ी रहे या फिर इंडियन सरकार इन्हें इंडिया में वापस लाए और इंडियन जेल में डाले? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं आपकी राय क्या है। स्ट्रैटेजिक न्यूज ग्लोबल रिपोर्ट हमें बताती है कि एनआईए की 2016 की चार्जशीट में जिन 20 लोगों को मेंशन किया गया है वो लोग एक दूसरे से काफी इंटरकनेक्टेड थे जब रेडिकलाइजेशन की बात करी जाती है। तो इनमें से 17 लोग सिर्फ एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट से आते थे, केरला में कासरगोड जिले से। 2020 की एक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट ने बताया कि कुछ और ने बाद में ज्वाइन किया, तो टोटल 22 लोग एक्चुअली में कासरगोड से थे। 2016 का इंडिया टुडे का आर्टिकल बताता है कि एक ट्रेंड है कि सिर्फ सिंगल यूथ यहाँ नहीं जा रहे हैं ISIS ज्वाइन करने, बल्कि पूरे के पूरे परिवार यहाँ पर, हस्बैंड वाइफ और इवन बच्चे भी चले गए ISIS ज्वाइन करने। आर्टिकल में यह भी मेंशन किया गया है कि इससे पहले ज्यादातर ISIS के रिक्रूट्स एक्चुअली में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से गए थे, केरला से नहीं। लेकिन ये स्टार्ट न्यूज ग्लोबल रिपोर्ट आगे की भी बात करती है। 2018 तक कहा गया कि करीब 60 इंडियंस ने अफगानिस्तान ट्रैवल किया जिनमें से 26 मेल्स थे, 13 औरतें और 21 बच्चे। ये सब देखकर क्लियरली कहा जा सकता है कि एक प्रॉब्लम जरूर है यहाँ पर, लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है ISIS ज्वाइन करने को। इंटरनेट के जरिए नए मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन अप हुए हैं। 2019 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने बताया कि इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि ISIS एक्चुअली में डार्क वेब और इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहा है लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए और आतंकवादियों को रिक्रूट करने के लिए। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है आखिर। फिल्म ने कहा कि 32,000 औरतों के साथ ऑलरेडी ऐसा किया जा चुका है केरला के अंदर अंदर। आइए इसके आंकड़े देखते हैं। व्लादिमीर वोरोनकोफ, अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, इन्होंने बताया कि 110 देशों से करीब 40,000 फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स सीरिया और इराक में गए कॉन्फ्लिक्ट को ज्वाइन करने। 40,110 देशों से। एक और एस्टिमेट दिया 2018 की स्टडी इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रेडिकलाइजेशन किंग्स कॉलेज लंदन ने, 41,490 लोग 80 अलग अलग देशों से ISIS से एफिलिएटेड है, इनमें से 79% लोग आदमी है। इन दोनों रिपोर्ट्स के बेसिस पे एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है करीब 40 से 42,000 फॉरेन टेररिस्ट हैं जो दुनिया भर से ISIS को ज्वाइन करने गए। तो कितने इंडिया से हैं?
अमेरिका के ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म ने कंट्री रिपोर्ट्स पब्लिश करी साल 2020 में. इन्होंने कहा सितंबर 2020 तक एनआईए ने 34 टेररिज्म के केसेस इन्वेस्टिगेट किए थे और करीब 160 लोगों को इंडिया में अरेस्ट किया था आईसिस से रिलेटेड. डबल चेकिंग के लिए एक और सोर्स देख लेते हैं. ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने एक पेपर पब्लिश किया था अक्टूबर 2019 में. इन्होंने कहा कि प्रो आईसिस केसेस 2014 और 2018 के बीच में इंडिया में थे करीब 180 से 200 के बीच. और ये 200 लोगों का जो अनुमान है यहाँ पर, इसमें सिर्फ वो लोग नहीं है जो एक्चुअली में आईसिस को ज्वाइन करने गए इंडिया छोड़कर, वो लोग भी हैं जिन्होंने आईसिस का प्रोपेगेंडा फैलाया इंडिया में इंटरनेट पर. एक तीसरा सोर्स भी देख लेते हैं. 2019 में इंडियन होम मिनिस्ट्री ने कहा था ये नंबर 155 पर है. अगला सवाल ये कि ये तो ओवरऑल इंडिया के केसेस हुए, केरला में कितने केसेस हैं? तो ये जो 180-200 केसेस का नंबर है, इसमें से 40 केसेस केरला के बताए जाते हैं. तो 200 इंडिया में, 40 केरला में, लेकिन ये नंबर हमें ये नहीं बताता कि एक्चुअली में कितने लोग आईसिस ज्वाइन करने गए थे, क्योंकि इसमें और आईसिस अफिलिएटेड लोग भी हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग भी इंक्लूडेड हैं. एक्चुअली में कितने लोग गए आईसिस को ज्वाइन करने इंडिया छोड़कर, यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की रिपोर्ट ने बताया कि करीब 66 नॉन इंडियन ओरिजिन फाइटर्स थे जो आईसिस से एफिलिएटेड थे एज ऑफ नवंबर 2020. सही सुना आपने, सिर्फ 66. 2018 की स्टैट न्यूज ग्लोबल रिपोर्ट ने भी 60 का ही फिगर दिया था, तो ये नंबर उसके बड़े आसपास है. तो इस 60 के नंबर में से कितनी औरतें हैं? करीब 13 औरतें हैं. कितनी औरतें हैं जो केरला से हैं? सिर्फ 6 औरतें हैं जो केरला से हैं. इन 6 में से ऐसी कितनी औरतें हैं जिन्हें बाकी धर्मों से इस्लाम में कन्वर्ट किया गया? 3 औरतें हैं. इन 3 में से 2 क्रिश्चियंस थी और 1 हिंदू थी. तो जो फिल्म में दिखाया जा रहा है, ये सिर्फ 3 औरतों के साथ असल जिंदगी में हुआ है, और वो भी वैसे नहीं हुआ जैसे फिल्म में दिखाया जा रहा है. और यहाँ दावा किया गया है कि 32,000 औरतों के साथ ऐसा हुआ. यही है वो बड़ा झूठ दोस्तों. ये झूठ इतना बड़ा है कि कोई आम इंसान इसे सुनेगा तो उसे लगेगा यार 32,000 के साथ नहीं, कुछ तो सच्चाई होगी इसमें, कुछ हजार औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा. कुछ हजार नहीं तो चलो कुछ 100 औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा. नहीं, सिर्फ 3 के साथ. अब आप में से कुछ लोग कहेंगे यार 32,000 हो या 3 हो, क्या फर्क पड़ता है, कहानी तो वही है ना. इसमें प्रॉब्लम क्या है? कई प्रॉब्लम्स हैं. पहला तो ये कि अगर 32,000 की जगह 3 का नंबर इस्तेमाल किया जाता है तो फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाता है. ये कहना कि यहाँ पर एक खुफिया लव जिहाद की कंस्पिरेसी चल रही है लड़कियों को फोर्सिबली कन्वर्ट करने की और उन्हें आईसिस भेजने की, और इस कंस्पिरेसी का नतीजा सिर्फ 3 औरतें निकली, तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल केसेस है, यहाँ पर कोई कंस्पिरेसी नहीं हो रही है. दूसरा, इस लेवल तक जनरलाइज करना चीजों को और एग्जैजरेट करना एक बहुत ही बेवकूफी वाली चीज है. यही चीज अगर किसी और इंसिडेंट के साथ करी जाए तो आप कहोगे कि क्या बकवास है ये. एग्जांपल से समझाता हूँ. पिछले कुछ महीनों में हमें ऐसे 3 केसेस देखने को मिले हैं जहां पर किसी इंडियन सिटीजन ने चलती हुई फ्लाइट के अंदर किसी और पैसेंजर के ऊपर पेशाब कर दिया. अब इमेजिन करो कोई अमेरिका या जापान जैसा देश एक फिल्म बनाए यहाँ पर इंडिया स्टोरी नाम से, और उस फिल्म में दिखाया जाए कि कैसे ये इंडियंस तो हमेशा पेशाब ही करते रहते हैं औरों के ऊपर फ्लाइट्स में. 32,000 ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जहां पर इंडियंस ने पेशाब किया है किसी और के ऊपर. कैसा लगेगा आपको सुनकर? आप कहोगे ये क्या बकवास चल रही है, देश को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है. लेकिन अगर दूसरी तरफ फिल्म बनाने वाला कहे कि यार 32,000 चलो एग्जैजरेटेड नंबर था, लेकिन 3 के साथ असली में ऐसा हुआ है इसलिए फिल्म बनाना जस्टिफाइड है यहाँ पर, क्या होगा आपका रिस्पॉन्स ऐसे केस में? इसी तरीके से दोस्तों 3 लोगों के इंडिविजुअल केसेस को लेकर पूरी केरला स्टेट को बदनाम किया जा रहा है. इस चीज को लेकर जब फिल्म के डायरेक्टर से सवाल किया गया, पूछा गया कि भाई सोर्स क्या है आपके इस नंबर का, तो वो सवालों से भागते रहे. ऑल्ट न्यूज से बात करते वक्त उन्होंने कहा कि जब फिल्म रिलीज हो जाएगी तब मैं अपना डेटा बताऊंगा कि किस डेटा के आधार पर मैंने 32,000 बोला था. द क्विंट को इन्होंने कहा कि ऐसे सवाल पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज वेरी क्लिशेड. जब फिल्म की स्क्रीनिंग हुई जेएनयू में तो इन्होंने कहा कि 32,000 वाला नंबर एक आर्बिट्री नंबर था. और जब बात कोर्ट में पहुंची तो इन्होंने फिल्म के डिस्क्रिप्शन से 32,000 वाला नंबर ही हटा दिया और 3 नंबर डाल दिया. सच बात तो यह है दोस्तों कि इन 3 औरतों की ये कहानी भी सुनाने लायक है अगर ये कहानी सुनाई जाती बिना झूठ और प्रोपेगेंडा के. एक एक इंसान जिसे ब्रेन वॉश किया जाता है और रिक्रूट किया जाता है आईसिस में, वो एक पोटेंशियल थ्रेट है. लेकिन ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है इंडिया में एक्चुअली में, इसे आप बाकी देशों से कंपेयर करोगे तो बड़ी शॉकिंग चीज आपको जानने को मिलेगी. इंडिया में मैंने बताया था ये नंबर 66 के अराउंड है जो लोग आईसिस के प्रोपेगेंडा का शिकार बने. बाकी देशों से 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स में 7,000 लोग ऐसे थे. सिर्फ रशिया से 2,500 लोग ऐसे थे. फ्रांस में 1,700 लोग. जर्मनी में 760 लोग. यूके का नंबर भी 700 के अराउंड था. ये जो सारे देश हैं, इन सारे देशों की पॉपुलेशन इंडिया से कहीं ज्यादा कम है, लेकिन जो लोग आईसिस का शिकार बने वो इन देशों में कहीं ज्यादा है.
और यहाँ पर यह चीज भी नोट करने वाली है कि इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है दुनिया में, तो फ्रांस, जर्मनी, यूके जैसे देशों के कंपैरिजन में ज्यादा मुस्लिम्स इंडिया में रहते हैं, लेकिन फिर भी कम आईसिस के रिक्रूट्स इंडिया से देखे गए। आप अगर यहाँ पर एक रेशियो देखो आईसिस रिक्रूट्स पर मिलियन पीपल, तो इंडिया में रेशियो 0.5 पर मिलियन। इस वीडियो में बेसिकली जो है वो एक फॉरेनर की बुक की बात की गई, मेन काफ हाँ, और उसमें उन्होंने एक बहुत ही फेमस कोट की बात की जो कि ये था कि नोबडी लाइज दिस मच इट मस्ट बी ट्रू, कि आप किसी सच किसी झूठ को जो है वो बेसिकली आप इतनी दफ़ा बोलें तो वो यानी जब बोलते तो उसको एज अ जो है वो सच कंसीडर किया जाना शुरू कर दिया जाता है। और इसी के साथ जो है वो एक और कोट को ऐड किया गया कि अगर आप जो है वो बहुत ज्यादा सच के बीच में अगर आप थोड़ा यानी बहुत ज्यादा झूठ के बीच में अगर आप थोड़ा बहुत सच भी ऐड कर लें तो वो भी एज अ एक उससे ज्यादा जो है वो स्वीयर बात होगी के बजाय इसके कि आप कंप्लीट झूठ बोलें। तो और इस तरह अगर इस स्टोरी की बात की जाए, केरला स्टोरी, तो इसमें उन्होंने बताया कि हमें सारा इस सिनेरियो का बताया कि बेसिकली मूवी किस चीज़ पे बेस करती है, कि जो वहाँ केरला में कुछ वुमेंस थी जिनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में, और वो काफ़ी कम लेवल पे, यानी कि सिर्फ आई थिंक सो 3 औरतों का उन्होंने बताया, और जबकि मूवी में 32,000 का फिगर यूज़ किया गया जो कि काफ़ी बड़ा फिगर है, और इससे कोई भी सोच सकता है कि कितना नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है इस सिटी को कि यहाँ पे इतनी बड़े लेवल पे ये चीज़ हो रही है। बेसिकली इसका पॉइंट ये था कि मतलब एक छोटी सी स्टोरी को जो है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके और इतना एग्जैजरेट बढ़ा करके दिखाया गया, और इससे एक बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि अगर आप कोई भी इस तरह की स्टोरी देखेगा, लेकिन इसमें हम ये बात नहीं कहेंगे कि स्टोरी बननी नहीं चाहिए थी, बिल्कुल ऐसे टॉपिक्स पे स्टोरी बननी चाहिए हिस्टोरिकल टॉपिक्स पे, और नो डाउट अगर वो सिर्फ 3 वुमेन्स के साथ ही था तो और ट्रू फैक्ट्स के ऊपर अगर वो स्टोरी बनाते तो ज़्यादा पॉपुलर होती, ज़्यादा लोग इसे सपोर्ट करते, और इससे काफ़ी लोग जिनको नॉलेज नहीं था इस बारे में उनको इससे नॉलेज भी मिलता और काफ़ी अच्छा होता ये। और एक्टर्स भी जो जिनकी बात करें इस मूवी में, उनकी एक्टिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छी थी जिन्होंने इस मूवी में काम किया, तो ओवरऑल मूवी की हम इस तरह से गलत नहीं कहेंगे, अगर मूवी की जनरल बात की जाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो एक्टिंग स्किल्स वगैरह और सारा जो उन्होंने सिटीज़ वगैरह दिखाई हैं, सारी जगहें जहाँ पे वो मूवी शूट की गई है, तो वो नो डाउट जो है वो अप्रिसिएशन की हकदार है, लेकिन एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ट्रू फैक्ट्स पे की बेस पे नहीं है, जबकि उसकी डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ थी कि ये ट्रू फैक्ट्स के ऊपर जो है वो बनाई गई है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है, और इस वजह से केरला स्टोरी का भी जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है सारी कंट्री के ऊपर, और जो कि एक यानी जो कि रियलिटी के ऊपर बेस्ड भी नहीं है। और दूसरा इसमें उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ का भी बताया जहाँ की पॉपुलेशन इंडिया से तो कम है लेकिन वहाँ पे ये चीज़ इंडिया से ज़्यादा हो रही है, यानी वहाँ की ज़्यादा वुमेंस के साथ ऐसा हो रहा है, तो उन लोगों की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा लेवल पर हो रही है, फिर भी उन्होंने यानी इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया क्योंकि इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाना था, लेकिन यहाँ कम लेवल पे हो रही है फिर भी इस पर एक मूवी बना रहे हैं, तो मूवी से यह है कि बहुत ज़्यादा एक चीज़ फेमस हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा शोहरत मिलना शुरू हो जाती है, अगर वही चीज़ हम सच की बेस पे दिखाएं तो उससे एक तो मूवी तो फेमस होती है, लेकिन दूसरा ये कि उस स्टोरी को भी पॉजिटिव इमेज आता है और स्टोरी को भी ज़्यादा पजीराई मिलती है। तो बाकी ये कि इस सवाल से जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।